ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सैटरडे कार्यक्रम में। तो आज हम कृष्णा बुक का 15वां अध्याय किलिंग ऑफ देनुकासुर, भगवान कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण है पर उससे ज्यादा सबसे प्रमुख हीरो हैं ये अध्याय के बलराम जी। बलराम जी और कृष्ण कैसे धेनुकासुर को मारते हैं। तो ये धेनुकासुर गधे के रूप में आया था और इसको बलराम जी और कृष्ण कैसे मारते हैं। तो ये अध्याय शुरू होता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, इन दिस वे कृष्णा अलोंग विथ हिज एल्डर ब्रदर बलराम पास देयर चाइल्डहुड known as Komar and stepped into the age of Poganda from the 6th year up to the 10th. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि इस तरह से कृष्ण का लीला चलते चलते भगवान कृष्ण और बलराम जी 5 साल से 6 साल की उम्र तक आए। तो 1 से 5 साल के बच्चे को कौमार अवस्था बोलते हैं और 6 साल से 10 साल तक पौगंड अवस्था। तो हमने इसके पहले 14 चैप्टर 14वां अध्याय और 13वां अध्याय हमने चर्चा किया जहाँ पे कृष्ण अगासुर को मारते हैं। ये जो एक अजगर के रूप में आया था, सर्प के रूप में आया था, तो भगवान श्री कृष्ण अगासुर को मारते हैं और उसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला होती है जहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण के दोस्तों को और बछड़ों को चुरा के लेके जाते हैं और 1 साल तक कृष्ण अपना रूप अलग अलग रूप लेते हैं। किसके रूप में, जितने भी बछड़े थे और ग्वाला थे एग्जैक्टली वही रूप लेते हैं और 1 साल लीला करते हैं। तो इस तरह से 6ठा साल चला गया। सो नाउ कृष्णा सेंटर इनटू दी 6th ईयर पौगंड अवस्था। तो वर्णन आता है उस समय जब भगवान 5 साल से 6 साल की उम्र में आगे कौमार अवस्था से पौगंड अवस्था, एक उत्सव होता है वृंदावन में, इसको बोलते हैं गोपाष्टमी, गोपाष्टमी उत्सव। तो ये दिन कृष्ण और बलराम को प्रमोशन मिल गया। कौन सा प्रमोशन? अब तक बछड़े चरा रहे थे, अभी 6 साल के हो गए तो उनको गाय दिया गया चराने के लिए, प्रमोशन, बछड़ों से गाय। और ये सुंदर लीला आती है कि जब कृष्ण उनको चार्ज मिलता है कि अभी आपको गाय चराना है, तो यशोदा कृष्ण को बोलती है आपको अभी चप्पल पहनने चाहिए क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे कांटे हैं, पत्थर हैं, आपको चप्पल पहनना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मैं चप्पल पहनूंगा पर जितने भी गाय हैं उन सबको चप्पल होना चाहिए। तो कितने गाय हैं? नंद महाराज के 9,00,000 गाय। तो 9,00,000 गाय, 1 गाय का 4 पैर, तो कितने सारे चप्पल बनाएंगे।
तो इसलिए भगवान भी गए हैं वृंदावन में बिना चप्पल पहन के। इसलिए जब हम धाम जाते हैं वृंदावन मायापुर, कोशिश करना चाहिए जितना होता है बिना चप्पल के चलने का, क्योंकि वहां का जो धूली है बहुत पवित्र धूली है। वहां कृष्ण भी गए हैं बिना चप्पल के, और जब गायों को समझ में आया कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, भगवान भी चप्पल पहनने के लिए तैयार नहीं, तो रातों रात जितने भी गाय हैं पूरे वृंदावन में जाके जितने भी पत्थर है उसको तोड़ देते हैं और मुलायम रेत बना देते हैं। तो अभी भी वृंदावन का जो रेत है बहुत सॉफ्ट है, वेरी वेरी सॉफ्ट। तो ये भगवान कृष्ण का और गायों के प्रति रेसिप्रोकल प्रेम था। तो आगे वर्णन आता है, जब कृष्ण और बलराम इस तरह से अपने दोस्तों के साथ वृंदावन में जाते हैं गाय चराने के लिए, वृंदावन की सुंदरता का वर्णन आता है। कृष्ण और बलराम वृंदावन की सुंदरता को देख रहे हैं। तो वृंदावन हालांकि अभी भी सुंदर है बाहरी रूप से, बहुत सारे बिल्डिंग्स आ गए हैं, बहुत कुछ है, पर फिर भी वृंदावन का जो सुंदरता अभी भी है, और सुंदरता क्या है, वेरी नेचुरल एटमोसफियर, बहुत सुंदर एक वातावरण है। तो यहाँ पे वर्णन है, कृष्ण और बलराम देख रहे हैं वृंदावन के एटमोसफियर को, कि वृंदावन में सब जगह फूल हैं, अलग अलग घास हैं और फल हैं इत्यादि, और वहाँ पे वृंदावन में बहुत सुंदर तालाब है। अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे इतने सारे तालाब रहते हैं, गोवर्धन के परिक्रमा में ही 100 से ज़्यादा तालाब हैं वर्णन आता है, तो इतने सुंदर तालाब हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे भक्त का हृदय पूरी तरीके से शुद्ध होता है, वैसे ही वृंदावन का ये तालाब थे पूर्ण तरीके से शुद्ध। जब व्यक्ति बहुत धूप से गुजरता है, जब वो एक तालाब जलाशय के पास आता है और बहुत शीतल वातावरण रहता है, इमिजिएटली उसका मन शांत होता है। कल हम ऐसे दोपहर को चलते चलते हमारे शराओं के पास नार्वे है, तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, हमारे कपिल शाह जी वहाँ के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत सुंदर जगह है, कभी अवसर मिला तो आप लोगों को लेके जाएंगे नार्वे, वहाँ पे सप्तकोटेश्वर का मंदिर है। तो उसके पास ही बहुत सुंदर एक तालाब है, कोई जाता ही नहीं है, वेरी सीरीन प्लेस। हालांकि कल हम काफ़ी थके हुए थे, वहाँ पे पहुँच के ही पूरा थकावट चला गया। तो वृंदावन का ये एटमॉस्फेयर था इतना सुंदर, और इसमें ये सुंदर तालाब में ये सब सुंदर जो फूल हैं पौधे हैं, उसमें बहुत मधुर आवाज़ आ रहा था पंछियों का, अलग अलग पंछियों का, और वहाँ का जो ब्रीज है, जो शीतल हवा है, वो भी बहुत ठंडक दे रहा था। तो वृंदावन का जो भी दृश्य है सब कुछ असाधारण है, सब कुछ स्पिरिचुअल है, पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक। राधानाथ स्वामी महाराज एक बार वृंदावन जा रहे थे, दिल्ली से वृंदावन मथुरा कार में जा रहे थे, एसी कार था। जब वृंदावन के पास आ गए तो महाराज ने ड्राइवर को बोला एसी बंद करो और खिड़की खोलो, क्योंकि ये जो वृंदावन का हवा है बहुत शीतल हवा है और बहुत आध्यात्मिक है। वृंदावन का हवा का स्पर्श करके ही इतना भक्ति का अनुभूति होता है। तो कृष्ण भी अनुभूति कर रहे हैं कि इतना सुंदर वातावरण है, और कृष्ण और बलराम इस तरह से वृंदावन के अनुकूल वातावरण को का दर्शन करते करते वृंदावन में प्रवेश करते हैं गायों के साथ। और कृष्ण देखते हैं कि जितने भी पेड़ थे, जो फल वाले पेड़ थे, सब झुक रहे हैं नीचे, और भगवान को लग रहा है ये सब झुक रहे हैं मेरे चरण का स्पर्श करने के लिए, क्योंकि वृंदावन में जो पेड़ भी हैं वो भी आध्यात्मिक है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल, तो वो झुक रहे थे मानो कृष्ण का चरण कमल का आश्रय ले रहे हैं। तो ये देख के भगवान कृष्ण बलराम जी को संबोधित करते हैं। तो देखिए ये भगवान का भाव है, कृष्ण बलराम का गुणगान कर रहे हैं। तो जनरली ये भौतिक दुनिया में संबंध ऐसा होता है, कोई स्वामी है और कोई दास है, तो स्वामी अपना ही गुणगान करता है, अपना ही गुणगान करना सुनना भी अच्छा लगता है उसको, पर यहाँ पे कृष्ण बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। पेड़ सब झुके हैं कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लेने के लिए, पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को संबोधित करते हुए बता रहे हैं,
माय डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई, आप श्रेष्ठ हैं हम सबसे, और आपका जो चरण कमल है, ये कौन बता रहे हैं? कृष्ण बता रहे हैं बलराम जी को संबोधित करते हुए, आपका जो चरण कमल है देवता भी आराधना करते हैं, और अभी देखिए वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो सब झुक गए हैं और आपका चरण कमल का आश्रय ले रहे हैं, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है ये जो वृक्ष हैं अपने तमोगुण से हटके उनका जो सही गति है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो जनरली जो वृक्ष का योनि है तमोगुण का योनि है, फुल इग्नोरेंस, क्योंकि पूर्ण तरीके से उनका ज्ञान ढक चुका रहता है। पर प्रभुपाद यहां पे बताते हैं वृंदावन में जो वृक्ष हैं वो भी साधारण वृक्ष नहीं है, वो सब कल्पतरु हैं, विश फुलफिलिंग ट्रीज। तो यहां पे वर्णन आता है ये जो वृक्ष हैं शायद उन्होंने पहले जन्म में बड़े योगी रहे होंगे, ब्रह्म ज्योति का उपासना किए होंगे, इसलिए उनको ये वृक्ष का योनि मिला है। तो बलराम जी का आश्रय ले रहे हैं और यहां पे कृष्ण बता रहे हैं उनका इच्छा है, ये वृक्षों का इच्छा है हमको प्रगति करना है आध्यात्मिक रूप में। तो आध्यात्मिक रूप में अलग अलग प्रगति होता है, जैसा भागवत में वर्णन आता है वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वो पूर्व पुरुषोत्तम भगवान, वो परम सत्य को जानने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग लेवल्स है। जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों का है ब्रह्मन, शक्ति, शक्ति का उपासना करते हैं, ब्रह्म ज्योति का। पर उससे श्रेष्ठ अंडरस्टैंडिंग है परमात्मा, जो भगवान हम सबके हृदय में सुपर सोल के रूप में है, परमात्मा के रूप में है। पर उससे सबसे, उससे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान के बारे में ज्ञान है, भगवान एक व्यक्ति है और उनका नाम श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बता रहे हैं ये सब वृक्ष आपका आश्रय ले रहे हैं ताकि उनके आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति हो। भगवान के यहाँ सेवा करने का अलग अलग रस होता है, शांत रस, दास्य रस, सक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। जनरली ये जो पेड़ हैं वृंदावन के शांत रस में है, तो उनका इच्छा है बलराम जी का कृपा पाके उनका आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति। तो लास्ट टाइम भी हम यही चर्चा कर रहे थे, बलराम जी कौन है? आदि गुरु है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी आदि गुरु है। बलराम जी के कृपा से ही भक्ति में प्रगति होता है। लास्ट टाइम हम थोड़ा बहुत रघुनाथ दास गोस्वामी की जिंदगी से देख रहे थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतना प्रयास करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का, पर जब उनको नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी की कृपा मिलता है तभी उनको चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी यह सत्य को बता रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जब तक व्यक्ति को आपका कृपा नहीं मिलता तब तक आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति हो ही नहीं सकता। और बलराम जी नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है, गुरु तत्व से ही, गुरु का आश्रय लेके ही भक्ति में प्रगति होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिना। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। ये कौन बता रहे हैं? कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण ये नहीं बता रहे हैं डायरेक्टली मेरे पास आओ, वो क्या बता रहे हैं? गुरु के पास जाओ। तो यहां पे वैसे ही कृष्ण बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं कि ये पेड़ आपका आश्रय ले रहे हैं, और आगे बताते हैं आपके इर्द गिर्द, बलराम जी के इर्द गिर्द अलग अलग मधुमक्खी घूम रहे थे। तो कृष्ण बताते हैं ये देखिए ऐसा प्रतीत होता है ये सब पहले जिंदगी में ये बहुत बड़े साधु संत रहे होंगे, बहुत तपस्या किया होगा, इसलिए आपका इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आपका आश्रय ले रहे हैं और मधुमक्खी आवाज करते हैं, है कि नहीं, बजिंग साउंड। तो कृष्ण बता रहे हैं ये मधुमक्खी क्या कर रहे हैं? आपका गुणगान कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ग्लोरीफाई यू। तो ये जिंदगी का सफलता है, क्या है? भगवान का गुणगान करना। इसलिए ये महीने में हम गीता बांटते हैं, गीता मैराथन, है कि नहीं, लोगों को गीता बांटने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में बताते हैं सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? जो ये ज्ञान दूसरों को बांटता है, जो प्रचार के कार्य में लगा है, भगवान का ज्ञान दूसरों को बांटने के मार्ग में लगा है, ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय है।
तो कृष्ण बता रहे हैं ये मधुमक्खियां आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आपका गुणगान कर रहे हैं, और ऐसा लगता है वो आपका संग एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, एक क्षण के लिए भी आपका संग छोड़ना नहीं चाहते। और आगे कृष्ण बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं, इतना गुणगान कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये देखिए मोर है वो सब नृत्य कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए, आपके आनंद के लिए, और जो कुकू हैं बहुत सुंदर स्वर से गा रहे हैं आपके प्रसन्नता के लिए, और जो हिरण हैं वो यहाँ पे नाच रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। जैसे गोपियां आपके प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रही है, वैसे ही ये हिरण भी नृत्य कर रहे हैं। तो जैसे कृष्ण का एक रासलीला होता है गोपियों के साथ, वैसे ही बलराम जी का भी अपना एक रासलीला होता है, बलराम जी के भी अलग सेट है गोपियों के। तो इस तरह से भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये पूरा जो वृंदावन है और वृंदावन के सदस्य हैं सब आपका स्वागत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक साधु दूसरे साधु का स्वागत करता है, तो साधुओं का, महान व्यक्तियों का स्वागत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं वृंदावन के जितने भी सदस्य हैं अपने क्षमता के अनुसार आपका स्वागत कर रहे हैं, और वृंदावन के धरती का क्या बोलना भाग्य का कि आपका चरण वृंदावन की धरती पर पड़ रहा है। ये सब कौन बता रहे हैं? कृष्ण बता रहे हैं, स्वयं का गुणगान नहीं कर रहे, बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। और बताते हैं जब आप किसी पेड़ के टहनी को छूते हो वो पेड़ का कल्याण हो जाता है, और जो वृंदावन के जो पर्वत हैं नदियां हैं आपका दर्शन करके ही उनका कल्याण होता है। तो इस तरह से कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते हुए वृंदावन का दृश्य देखते हुए गायों को लेकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं चलते चलते कृष्ण गायों को भी चरा रहे हैं और उनके साथ साथ उनका खेल भी चल रहा है, राइट। तो अलग अलग खेल खेलते हैं, तो कृष्ण के जो दोस्त हैं जितने भी पंछियां हैं उन सब का नकल करते हैं आवाज का, जो चकोरा है, मोर है, कुकू है, भारद्वाज है, इन सब पंछियों का नकल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है जो स्वान है, जो हंस हैं, इनके पीछे पीछे कृष्ण के दोस्त भागते हैं, और कभी शेर आ गया, शेर को देख के या शेर का आवाज सुन के हिरण भागते हैं, तो उसके पीछे पीछे कृष्ण के दोस्त भागते हैं। तो इस तरह से अलग अलग खेल खेल रहे हैं। तो वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब कृष्ण को इतना प्रेम था गायों के प्रति कि कृष्ण जब गायों का नाम लेते थे, हर एक गाय का एक नाम था, तो जब कृष्ण गाय को पुकारते थे वो गाय दौड़ी दौड़ी आती थी कृष्ण के पास, इतना घनिष्ठ संबंध था। तो वृंदावन में नंदग्राम है, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है तेर कदम, अभी भी वो स्थली है। तेर कदम का मतलब है, तेर का मतलब है वृंदा व्रज भाषा में आवाज देना, तेर टू कॉल। तो कृष्ण वहां पे बैठ के बांसुरी बजाते थे और गायों को बुलाते थे। तो कृष्ण के जैसा हमारा माला है ना 108 मणि का, तो कृष्ण का एक माला होता था, क्योंकि कृष्ण के जो गाय हैं 108 अलग अलग हर्ड्स होते थे, अलग अलग विभाजन, थोड़े सफेद कलर के, थोड़े हरे कलर के, थोड़े नीले कलर के, अलग अलग गाय होते थे। तो कृष्ण जपमाला लेके काउंट करना है, क्योंकि एक दो गाय नहीं है, लाखों गाय हैं, कैसे काउंट करेंगे। तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गायों का नाम लेते थे, सब गाय भाग के वहां पे आते थे। तो ये देख के कृष्ण के दोस्त इतने आनंदित होते हैं कि कृष्ण का क्या संबंध है गायों के साथ। तो ऐसे चलते चलते कभी बलराम जी थक जाते थे और बलराम जी लेट जाते थे, वो सर रखते थे किसी बच्चे के गोद के ऊपर, और एक बच्चा आके बलराम जी का पैर लेता था उसके गोद में, बलराम जी का पैर का मसाज कर रहे हैं। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण भी बलराम जी का सेवा कर रहे हैं। कृष्ण क्या करते हैं? जितने भी पत्ते हैं वो सब लेके एक पंख बनाते हैं और कृष्ण बलराम जी का फैन कर रहे हैं। इमेजिन करो, मतलब कृष्ण भी कितने उत्साही हैं अपने भक्तों का सेवा करने के लिए। तो ये आध्यात्मिक जगत है, स्वामी भी दास का सेवा करना चाहता है, दास भी भगवान का सेवा करना चाहता है, तो कॉम्पिटिशन है कौन ज्यादा सेवा करेगा। तो कृष्ण भी सेवा कर रहे हैं, और कृष्ण बाकी जो कृष्ण के दोस्त हैं बलराम जी के लिए नृत्य करते हैं, और जब बलराम जी सो गए कुश्ती खेलते हैं,
और बाकी जो कृष्ण हैं अलग अलग खेल खेलते हैं, और कृष्ण भी इनके साथ ज्वाइन होते हैं उनके अलग अलग कार्य में, और ऐसा करते करते कभी कृष्ण थक जाते हैं और कृष्ण सो जाते हैं, कभी जो झाड़ है उसका जो रूट है उसको पिलो बना के सो जाते हैं, और कभी किसी बच्चे के गोद में सो जाते हैं। तो ये वृंदावन की जिंदगी है, मतलब कुछ बेडिंग वेडिंग की जरूरत नहीं है, पेड़ के नीचे सो जाओ, फर्स्ट क्लास नींद, सिंपल लाइफ ऑफ वृंदावन। तो कृष्ण भी देखिए वृंदावन के जमीन पे ही सो रहे हैं इतने आनंद से। तो वृंदावन कितना पुण्य स्थली है जहां पे कृष्ण बिल्कुल कंफर्ट में नहीं है, वेरी नेचुरली, और वहां पे भी कृष्ण के बाकी दोस्त आके कृष्ण के चरण कमल का मसाज करते हैं, कोई दोस्त कृष्ण के लिए जब कृष्ण सो रहे हैं पंख करते हैं अलग अलग पत्तों से, कोई मधुर गीत गा रहे हैं कृष्ण के नींद के लिए, और फाइनली ऐसा करके कृष्ण उड़ जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण जिनका चरण कमल पाने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, इतना तपस्या करती है, भगवान का पाद सेवनम, कृष्ण का पाद का सेवन करने के लिए, वो कृष्ण साधारण बच्चे के रूप में आते हैं, और वो जो सेवा का अवसर है उनका जो सानिध्य है वृंदावन के बच्चों को दे रहे हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है वृंदावन के ये दोस्तों का, कृष्ण के दोस्तों का। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तो जनरली कृष्ण साधारण बच्चे के रूप में लीला कर रहे हैं, पर किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि ये साधारण बच्चा है। इसलिए जब हम ये दामोदर अष्टकम गीत गाते हैं, ये जो कहानी है जहां पे यशोदा कृष्ण को उकल से बांधती है, वो पूरे लीला का वर्णन करते हुए सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम लिखते हैं, पर पहले लाइन में ही वो क्लियर करते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यह साधारण लीला है, बच्चा कोई मटका तोड़ता है, मक्खन खाता है और माँ उसको सजा देती है, ये तो बचपन में हमने भी किया है, किसी को लगना नहीं चाहिए, मेरा भी बाल लीला हुआ है कि नहीं। तो पहले बताते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये साधारण बच्चे नहीं है, ये कौन है, बच्चे के रूप में लीला कर रहे हैं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी एक कहानी बताते हैं, तो कभी कभी कृष्ण जनरली कृष्ण साधारण बच्चे के रूप में वृंदावन का लीला कर रहे थे अपने भक्तों के साथ संबंध थे, पर कभी कभी कृष्ण अपना शक्ति का भी दर्शन देते थे, ये दिखाने के लिए मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। तो वैसे ही एक लीला आती है, तो जनरली एक मूवी में, अच्छे एक मूवी में या ड्रामा में अलग अलग सीन्स चेंज होता है कि नहीं, जब भी कभी प्रेम का सीन, कभी एक्शन का सीन। तो कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं, पर सडन बीच में कंस असुर को भेजता है, क्यों, रस चेंज करने के लिए, एक्शन भी होना चाहिए ना, जब एक्शन आएगा मूवी कंप्लीट होगा, है कि नहीं। तो ऐसा लीला करते करते कृष्ण के जो दोस्त हैं वो कृष्ण और बलराम के पास आते हैं। तो कृष्ण के अलग अलग मित्र थे, एक का नाम था श्रीदामा, सुबल स्तोक कृष्ण। तो ये तीनों कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण और बलराम के पास आते हैं और बोलते हैं, डियर बलराम यू आर वेरी पावरफुल। तो ये अध्याय में, ये अध्याय के मुख्य हीरो बलराम जी हैं, क्योंकि ये 15वां अध्याय है। अब तक बहुत सारे असुर आके गए वृंदावन में, पर इन सब असुरों को किसने मारा, कृष्ण ने ही मारा। ऐसा नहीं कि बलराम जी नहीं मार सकते थे, बलराम जी भी मार सकते थे, पर बलराम जी संतुष्ट हैं क्रेडिट कृष्ण को देख के, उनका वही रोल है कृष्ण को फोरफ्रंट में रखना। पर ये अध्याय में, ये अध्याय शुरू ही होता है भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं, और कृष्ण का इच्छा है ये जो असुर अभी हम मारने वाले हैं इसका श्रेय बलराम जी को मिले। तो इसलिए सब कृष्ण के जो मित्र आके बलराम जी का गुणगान करते हैं और बताते हैं, बलराम जी आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप महाबाहु हैं, आपके जो बाहु हैं बहुत शक्तिशाली हैं, और कृष्ण आप बहुत एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं असुरों को मारने के लिए। तो हम कल भी, लास्ट टाइम भी यही डिस्कस कर रहे थे, जितने भी असुर आके गए अब तक,
कृष्ण ने हर एक असुर को अलग अलग स्टाइल में मारा, एक ही स्टाइल में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, राइट, स्टीरियोटाइप स्टाइल नहीं, अलग अलग स्टाइल। तो इसलिए भगवान कृष्ण के दोस्त भगवान का गुणगान कर रहे हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हैं असुरों को मारने में अलग अलग स्टाइल में, है कि नहीं। रिसेंटली मुझे लगता है हमारे गौर गोपाल प्रभु लोकमत का एक अवार्ड फंक्शन में गए थे, लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स, द मोस्ट स्टाइलिश पीपल, तो सबके स्टाइल के मास्टर कृष्ण है, है कि नहीं, सब स्टाइल उनसे ही आता है। तो इसलिए कृष्ण के जो दोस्त है भगवान का गुणगान कर रहे हैं और बताते हैं हमारे एक रिक्वेस्ट है, तो भगवान से कुछ प्राप्त करना है वो भी एक तरीका होता है, जाके सीधा मांगते नहीं है, पहले क्या करते हैं, संस्कृत तरीका क्या है, भगवान का गुणगान। जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा बलराम ब्रह्मा जी आते हैं भगवान कृष्ण से माफी मांगने के लिए, पर पहला सीधा अपना केस माफी नहीं मांगते, पहला क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो वैसे ही कृष्ण के मित्र भगवान कृष्ण बलराम जी और कृष्ण का गुणगान करते हैं और बताते हैं बहुत हम जहां पे हैं उसके बहुत निकट एक वन है जिसका नाम है ताल वन। तो वृंदावन में 12 वन है, एक वन है ताल वन, और ये ताल वन में बहुत सुंदर ताल वृक्ष है और ये ताल के फल आते हैं और इतना सुगंध है ये ताल फल का, इनफैक्ट हम जहां पे खड़े हैं इधर से ही हमको सुगंध आ रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये ताल वन को पूरा कब्जा करके एक असुर बैठा है जिसका नाम है धेनुकासुर, और ये अकेला नहीं है, अपने जितने भी असुर का गैंग है वो सब लेके कैप्चर करके बैठा है। तो कोई भी ताल वन में प्रवेश नहीं कर सकता, इनफैक्ट कोई पशु भी जाता नहीं ताल वन में, कोई पंछी भी जाता नहीं ताल वन में, धेनुकासुर के भाई के वजह से। पर हम सबका इच्छा है हमको ये ताल फल खाना है। एक्चुअली कृष्ण के जो दोस्त हैं उनका इच्छा था कि कृष्ण और बलराम को ये ताल फल खिलाना चाहिए, पर उनको लगा हम कृष्ण बलराम को बोलेंगे आप ये असुर को मारो ताकि आप फल खा सको, तो कृष्ण बलराम बोलेंगे हमको तो इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया, क्या बोले, हमको खाना है। तो कृष्ण तैयार हो गए, क्योंकि भगवान अपने इच्छाओं के बारे में नहीं सोचते, भगवान बहुत निस्वार्थ है, ये प्रेम का लक्षण है सही संबंध में। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इच्छा के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में सोचता है। तो जब दोस्त कृष्ण और बलराम के पास जाके बोलते हैं हमको ये ताल फल खाने का इच्छा है, इसका सुगंध इतना है यहां तक भी आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है क्या, तो चलिए आप ये असुर को भी मार दीजिए। तो कृष्ण बलराम तुरंत तैयार होते हैं, क्योंकि भक्तों का सेवा करने के लिए तत्पर है, ये भगवान का भाव है, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तैयार है। जब जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन के पहले एक लास्ट डिनर होता है, इसको लास्ट सपर बोलते हैं, है कि नहीं, तो लास्ट सपर अपने शिष्यों के साथ फाइनल डिनर, तो उसमें जीसस क्राइस्ट क्या करते हैं, उनके जितने भी शिष्य हैं उन सब के पैर को चूमते हैं, ही गोज एंड किसेस द फीट ऑफ ऑल हिज डिसाइपल्स। तो शिष्य सोच रहे हैं गुरु आके हमारे पैर को हाथ लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, तो शिष्य सोच रहे थे गुरु को करने को दे न दे, पर जीसस क्राइस्ट करते हैं और बताते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको इतना रिस्पेक्ट देता हूं तो आपको एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका तो लीला समाप्त होने वाला है, वो तो जाने वाला है। तो कहने का मतलब है यहां पे कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों की सेवा करने के लिए इतने तत्पर है, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए, तो हमको कितना तत्पर होना चाहिए भक्तों के सेवा करने के लिए। तो ये जब सुनते हैं कृष्ण बलराम दोनों ताल वन में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही क्योंकि ये अध्याय के हीरो बलराम जी है, बलराम जी जाके एक ताल वृक्ष को लेते हैं और पूरे तरीके से हिलाते हैं, पूरा हिलाते हैं, सब ताल फल गिरता है और धेनुकासुर उड़ जाता है, क्योंकि अब तक किसी ने साहस नहीं किया
उसके वन में घुसने के लिए, प्राइवेट वन था, प्राइवेट फॉरेस्ट है कि नहीं, कोई अलाउड नहीं, जैसे बोर्ड होता ना, यू नो पीपल विल बी प्रोसिक्यूटेड, राइट, नो वन शुड एंटर, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसा तो बोर्ड लगा के रखा था इसने, प्रोपराइटर धेनुकासुर। पर एक्चुअली पूरे सब चीज के प्रोपराइटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के महेश्वर वही है, पर हम टेम्पोरली अपना बोर्ड लगा देते हैं, है कि नहीं, प्रोपराइटर। तो धेनुकासुर भी असुर है और गदा है, गदा मतलब बुद्धिमान नहीं होता, ऊपर का बुद्धि कम होता है, इसलिए गदों को धोबी यूज करता है वेट लेके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत कराता है धोबी, एंड में क्या देता है? घास देता है, जो घास बाहर ऐसे ही फ्री में अवेलेबल है, पर गधे को समझ में नहीं आता गधा है, वैसे ही धेनुकासुर गधा है, और गधे को उठाने के लिए कौन चाहिए? गुरु चाहिए। तो हम सब अज्ञान में है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो धेनुकासुर की तरह हम सब अपना राज्य बना के बैठे हैं, और हमको लग रहा है कि हम ही स्वामी है, हम ही भोक्ता है, और गुरु आके हमको उठाते हैं, शेक करते हैं। इसलिए अब जितने भी शास्त्र देखोगे, गुरु का यही कर्तव्य है शिष्य को उठाना, जो गहरे नींद में है उसको उठाना। सबसे क्लासिक उदाहरण है ये मेंटालिटी का, अटैचमेंट, ये धेनुकासुर मेंटालिटी का भागवत में है। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र उसके 100 पुत्र थे, वो भी सब गधे थे, है कि नहीं, और भीम जी जाके अपना गधा लेके ये 100 पुत्रों को मारते हैं, है कि नहीं, और मरने के बाद धृतराष्ट्र फिर भी इतना आसक्त था अपने राज्य के प्रति, राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इतना बूढ़ा हो चुका था, इतना बूढ़ा हो चुका था, राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं। विदुर आते हैं और धृतराष्ट्र को इतना कठोर शब्द बोलते हैं, और धृतराष्ट्र को बोलते हैं निकल जा तू यहां से, जिस भीमा ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा है वही भीमा का तुम अन्न खा रहे हो, शर्म भी नहीं आता तुमको, तुम्हारे चेहरा देखो आईने पे, इतने बूढ़े हो चुके हो, निकलो घर से। और विदुर का शब्द सुन के, साधु का शब्द सुन के धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य आता है और अपना जगह छोड़ के निकलता है। तो वैसे ही बलराम जी आते हैं धेनुकासुर को हिलाने के लिए। जब बलराम जी ये वृक्ष को हिला रहे हैं, जैसे एक हाथी का शक्ति है वो शक्ति के साथ हिला रहे हैं, और धेनुकासुर वो आवाज सुन के ही इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, पूरा शक्ति के साथ आता है, और जब वो दौड़ता है, दौड़ रहा है, पूरा जो वन है कांप रहा है, इतना शक्ति है धेनुकासुर का, साधारण असुर नहीं था, और पूरे शक्ति के साथ, इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं ऐसा लग रहा था कि अर्थक्वेक आ गया, धेनुकासुर जब दौड़ रहा था ऐसा लग रहा था भूकंप आ गया, और वो पूरे शक्ति के साथ अपने पीछे के 2 पैर से बलराम जी के छाती पे जोर से लात मारता है, इतना जोर से लात मारता है, पर बलराम जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, और एक बार लात मारता है, बलराम जी को लगा अभी बहुत हो गया, जब और एक बार मारता है बलराम जी उसका दोनों पैर पकड़ के घुमाते हैं, इतना स्पीड से घुमाते हैं, वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है, और ऊपर एक ताल वृक्ष के ऊपर उसको फेंक देते हैं, और इतना स्पीड है और इतना शक्ति है बलराम जी के ये फेंकने में, वो ताल वृक्ष गिर गया, और वो वृक्ष गिरने से बाकी जितने भी वृक्ष हैं सब गिर गए एक के बाद एक, ऐसा होता है ना जैसे कार्ड होता है, एक गिरा बाकी सब गिर जाते हैं, एक के बाद एक सब गिरने लगे, ऐसा लगा कि इतना बड़ा हरिकेन आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं ये बलराम जी के लिए ये जो शक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बलराम जी शेषनाग के रूप में उनके हर एक फन पे एक ब्रह्मांड रखते हैं अपने सर पे, जितने भी ब्रह्मांड हैं वो क्यों रुके हैं आकाश में, क्योंकि बलराम जी इज दैट होल्डिंग फोर्स। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणि गणाइव। जैसा एक मनी होता है, पर्ल नेकलेस होता है, उसको पकड़ने वाला एक धागा है, वो सूत्रधार बलराम जी है। सुखदेव गोस्वामी और एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई कपड़े को वीव करता है, आपने अगर वीविंग देखा है तो 2 रस्सी होता है, वो 2 रस्सी के बीच में
छोटे अलग अलग रस्सी होता है, टू मेन रस्सी, तो वो दो रस्सी बलराम जी है, पूरे दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब धेनुकासुर मर जाता है तो बहुत सिंपली बलराम जी असुरों को मारते हैं। तो ये सब जो शक्तिशाली असुर आते हैं वृंदावन में, बहुत शक्तिशाली असुर है एक्चुअली, इनके पीछे कहानियां हैं कितने शक्तिशाली थे, पर बहुत आसानी से कृष्णा बलराम इनको मार देते हैं, संघर्ष नहीं करना पड़ता, वेरी इजिली। जैसा हम देखते हैं वो जो आकाशवाणी होती है जब देवकी और वसुदेव का शादी हो रहा है कि देवकी का आठवां पुत्र कंस को मारेगा, तो जब भगवान सही उम्र के होते हैं, आई थिंक 10 या 12 ईयर्स ओल्ड, जब अक्रूर जी कृष्ण को लेके जाते हैं मथुरा कंस को मारने के लिए, भगवान कंस को एक मुक्का देख के ही मार देते हैं। मतलब इतना बड़ा राक्षस जिसको देख के सब देवता कांप गए, सब प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण कैसे मार लिया एक मुक्के से बस। ऐसा नहीं कि कृष्ण 8 साल 10 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे कंस को मारना है कंस को मारना है, ऐसे बहुत आसानी से मार लेते हैं। तो ऐसे धेनुकासुर मर गया, पर धेनुकासुर अकेला नहीं था, उसके दोस्त भी थे, उसका भी एक कम्युनिटी था, सोसाइटी था, है कि नहीं। तो उसके सब दोस्त आते हैं कृष्ण और बलराम को अटैक करने के लिए, तो कृष्ण और बलराम साथ में वही स्टाइल में धेनुकासुर के सब दोस्तों को मारते हैं, पीछे के दो पैर पकड़ते हैं, घुमाते हैं, फेंकते हैं, तो सब असुर मर गए। और ये सब धेनुकासुर के अलग अलग जो असुर थे जो गधे के रूप में थे, अलग अलग कलर के थे, डिफरेंट कलर्स, तो हर एक ताल वृक्ष में अलग अलग कलर का गधा लटक रहा है, इतना सुंदर वातावरण लग रहा था, डिफरेंट क्लाउड्स ऐसा लग रहा था। तो उस समय देवता स्वर्ग से अलग अलग वाद्य बजाते हैं और फूल की बरसात करते हैं और इससे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके पश्चात थोड़े दिनों बाद धेनुकासुर मरने के बाद ताल वन में जितने भी पंक्षियां हैं, जो पशु हैं और जो व्रजवासी हैं प्रवेश करते हैं और ताल फल का आनंद लेते हैं। तो इसने कैप्चर करके रखा था, तो कृष्ण इसको चुड़ा देते हैं और सबको आनंद मिलता है। तो वर्णन आता है सुग्रीव गोस्वामी ये अध्याय का अंत करते हुए बताते हैं, जब कृष्ण बलराम इस तरह से धेनुकासुर को मारने के बाद जब वापस वृंदावन में प्रवेश करते हैं अपना बांसुरी बजाते हुए, तो कृष्ण और बलराम इतने सुंदर लग रहे हैं अपने तिलक के साथ, और वो भी अभी घोधूली के साथ। जनरली जब गाय चलते हैं, और वृंदावन का जगह है जहां पे धूली बहुत है, डस्ट है, तो इतना धूली उड़ता है, और एक गाय दो गाय नहीं लाखों गाय चल रहे हैं, तो ये सब धूली उड़ रहा है और किस पे गिर रहा है, कृष्ण बलराम पे गिर रहा है, और कृष्ण बलराम ये धूली से और सुंदर लगने लगते हैं। तो कृष्ण का वृंदावन में आभूषण क्या था, वृंदावन की धूली, गो धूली, गायों का चरण कमल से जो धूली है वो कृष्ण का आभूषण था। तो इसलिए वृंदावन का जो धूली है और जो गायों के चरण कमल से आने वाला धूली है वो बहुत पुण्य है, भगवान कृष्ण को भी सुंदर बनाता है। और इस तरह से भगवान कृष्ण बांसुरी बजा के वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, और गोपियां, क्योंकि जब कृष्ण दिन भर बाहर चले गए गोपियों को ये विरह सहन नहीं हुआ, क्योंकि इतना प्रेम था उनको कृष्ण के प्रति, उनको बिल्कुल विरह सहन नहीं हो रहा था, दिन भर अपना कार्य करते हुए कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे थे, कृष्ण क्या कर रहे होंगे, वृंदावन में है कृष्ण वन में गाय चरा रहे हैं, पर उनका सोच कृष्ण के बारे में ही है, कृष्ण भी क्या कर रहे होंगे, कैसे क्या लीला कर रहे होंगे, ये सब चिंतन कर रहे हैं। फाइनली जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण का दर्शन करके इतने प्रसन्न होते हैं गोपियां, उनको लगता है हमारा प्राण आ गया, और गोपियां कृष्ण का रूप का दर्शन कर रहे हैं और कृष्ण गोपियों की सुंदरता का दर्शन कर रहे हैं, और इस तरह से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और कृष्ण के पहले तो अभी गोपियों को आनंद दिया कृष्ण ने, उसके बाद यशोदा और रोहिणी कृष्ण और बलराम के जो माताएं हैं उनको इतना प्रेम आता है, क्योंकि दिन भर कृष्ण बलराम बाहर है गाय चरा रहे हैं, जब वापस आते हैं कृष्ण बलराम का स्नान कराते हैं शाम के समय, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर आभूषण पहनाते हैं, फूल पहनाते हैं, फूल की हार, और फाइनली उनको बहुत सुंदर प्रसाद खिलाते हैं, फर्स्ट क्लास प्रसाद, और एंड में
उनको बिस्तर डालते हैं और अलग अलग गीत गाते हुए कृष्ण को सुलाते हैं। तो एक्चुअली ये जो दो पैराग्राफ में शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे यशोदा रोहिणी कृष्ण बलराम को ट्रीट करते हैं, कैसे कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं, वही प्रणति है जो हम डेटी वर्शिप में करते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग, भगवान का स्नान कराना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान को सुंदर हार चढ़ाना, मेकिंग कृष्णा ब्यूटिफुल, उसके बाद भगवान को प्रसाद भोग चढ़ाना, उसके बाद भगवान को सुलाना, राइट। हमारे जर्नी ओम पुस्तक में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लिखते हैं, जब वो 1970s में वृंदावन गए थे, उस समय वृंदावन में एक संत थे, बहुत महान संत, जिनका नाम था घनश्याम बाबा, और उनके छोटे से राधा कृष्ण के विग्रह थे, राधा गोपी जन वल्लभ, और ये अकेले बूढ़े व्यक्ति थे, बहुत प्रेम से राधा कृष्ण की सेवा करते थे, और ये मंदिर का दर्शन करने के लिए कोई आता ही नहीं था। जनरली कोई भगवान का सेवा करता है जब लोग आते हैं और सेवा करता है, जब जिस दिन लोग नहीं आते उसका सेवा कम होता है, पर ये मंदिर कोई आता ही नहीं था दर्शन करने के लिए, नो वन वुड कम, पर इतने प्रेम से घनश्याम बाबा ये विग्रहों की सेवा करते थे। रात को जब सुलाते थे विग्रहों को, ये विग्रहों के लिए भजन गाते थे, सुनने वाला कोई नहीं, दोहराने वाला कोई नहीं, कीर्तन करने के लिए बैठेंगे पहला हमारा पीछे मुड़ के देखते हैं कोई है कि नहीं, है कि नहीं, हमारा जो राग है भाव है लोगों के हिसाब से आता है कि नहीं, पर घनश्याम बाबा कोई नहीं है सामने, इतना प्रेम से हारमोनियम पे भजन सुना रहे, राधा कृष्ण को सुला रहे। तो ये वृंदावन का भाव है, कृष्ण का पूजा, जो विग्रह है पूजा करना, जैसे कृष्ण स्वयं है वो विग्रह है, वो भाव के साथ। तो इतने प्रेम के साथ यशोदा कृष्ण बलराम को सुलाते हैं और कृष्ण बहुत जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर सेवा भी किया, काम भी किया है, गाय चराया है, थक जाते हैं और खेला भी है इतना। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इन दिस वे कृष्णा बलराम यूज टू एंजॉय वृंदावन लाइफ एज कवर्ड बॉयज। तो इस तरह से कृष्ण बलराम इतने आनंद में है, ब्रजवासी भी आनंद में है कृष्ण बलराम के साथ, और कृष्ण बलराम भी इतने आनंद में है, सरल वृंदावन का जिंदगी, नो कॉम्प्लेक्स लाइफ, एक मोटर कार नहीं, कुछ नहीं, सिंपल कवर्ड लाइफ। तो ऐसा वर्णन करते करते ये अध्याय समाप्त करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कभी कृष्ण और बलराम, कभी कृष्ण बलराम जी के साथ और दोस्तों के साथ जाते थे वन में गाय चराने के लिए, कभी कभी कृष्ण बिना बलराम जी के साथ जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन कृष्ण, तो ऐसा चलते चलते धूप का समय आ गया, समर सीजन, तो समय कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, और ये दिन बलराम जी नहीं थे, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना के तट पे जाते हैं गायों को चराने के लिए, क्योंकि गायों को पानी भी लगता है, तो नदी के तट पे जाएंगे तो गाय पानी पीते रहेंगे, तो गायों के साथ यमुना के तट पे जाते हैं, और ये यमुना के तट पे क्योंकि बहुत धूप का समय था और वृंदावन में सर्दी भी बहुत तेज लगता है, गर्मी भी बहुत तेज लगता है, तो गाय भी प्यासे थे और कृष्ण के दोस्त भी प्यासे थे, तो सब यमुना में जाके पानी पीते हैं, पर कालिया आ चुका था, नेक्स्ट डीमन, अगला राक्षस असुर कालिया, और कालिया यमुना नदी में प्रवेश कर चुका था और पूरा नदी विषैली बन चुका था, वो पी के सब कृष्ण के दोस्त और गाय मूर्छित हो जाते हैं, सब मर जाते हैं। कृष्ण समझ जाते हैं और कृष्ण ये गायों को और उनके दोस्तों पे दृश्य डालते हैं। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कृष्णा हूज द लाइफ ऑफ ऑल लाइव्स, हम सबको प्राण देने वाले कृष्ण है, इसलिए जब हम विग्रहों के सामने आते हैं, भगवान का जब दर्शन हमारे ऊपर गिरता है, हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा आती है, सही में प्राण आता है। तो कृष्ण अपने दृष्टि से ये गायों को और बच्चों को वापस जीवित करते हैं और कृष्ण समझ जाते हैं ये कालिया के वजह से ये सब हुआ है। तो कृष्ण तैयार होता है कालिया को मारने के लिए, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, अगला अध्याय है सबड्यूइंग कालिया। बहुत सुंदर कथा है कैसे कृष्ण कालिया का दमन करते हैं, इनफैक्ट आई थिंक इट्स टू चैप्टर्स और वन चैप्टर, नहीं
एक ही अध्याय पर बहुत लंबा अध्याय है चैप्टर 16. सो नेक्स्ट टाइम जब हम चर्चा करेंगे वी विल डिस्कस इट. हरे कृष्णा. तो और एक चीज़ कि क्योंकि ये गीता